Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel. आज हम बात करेंगे मिनरल मेकअप्स के बारे में, लाइक मिनरल मेकअप आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा है और या नहीं. वैसे मुझे भी कुछ खास पता नहीं था मिनरल मेकअप के बारे में, बट मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, लाइक डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट से पूछा कि क्या तुम्हें पता है मिनरल मेकअप के कितने बेनिफिट्स हैं फॉर स्किन, इफ़ इट इज़ गुड और नॉट. तो बहुत सारी डिस्कशन की हम लोगों ने. एट लास्ट मैंने अपने एक और फ्रेंड से थोड़ी सी हेल्प ली जो कि है केमिस्ट एंड प्लस मेकअप आर्टिस्ट. तो वो सारी डिस्कशन मैं आज आप लोगों के साथ करूँगी. साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ एक ब्रांड शेयर करूँगी, दैट इज़ कॉल्ड ईदुन मिनरल या ईदुन मिनरल्स, कुछ भी आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हो. ये एक स्वीडन का ब्रांड है जो कि 2000 में बनाया गया था एंड इट इज़ अवेलेबल नाउ इन पाकिस्तान. सो इसकी खूबियाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आपकी स्किन के लिए अच्छा है कि नहीं. तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये एक हाई एंड ब्रांड है, लाइक एक इंटरनेशनल ब्रांड है. तो यू नो इंटरनेशनल ब्रांड, नॉट अ लोकल ब्रांड. तो बात यहाँ पे आती है कि काफ़ी गर्ल्स मुझे बोलती हैं आप आजकल बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें हमारे साथ शेयर कर रहे हो, लाइक हम अफोर्ड नहीं कर सकते. चंदा, इफ़ यू कांट अफोर्ड तो आप अपनी जनरल नॉलेज में थोड़ा इजाफा तो कर सकते हो एटलीस्ट. लाइक अगर मैं एक चीज़ रिव्यू कर रही हूँ, आप देखो, आप समझो उस प्रोडक्ट के बारे में, कुछ ना कुछ सीखो. लाइक कल को अगर आपको कोई पूछे लाइक यू नो अबाउट दिस प्रोडक्ट, तो आगे से आप ये तो कह सको कि येस आई नो कि ये कौन सा प्रोडक्ट है और कहाँ का प्रोडक्ट है. सो सिंपल एज दैट. तो टिके रहो, ये वीडियो एंड तक देखो. मिनरल मेकअप इज़ बेसिकली क्लीन और बिल्कुल नेचुरल मेकअप. लाइक इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, ना ही पैराबेंस होते हैं जो कि आपकी स्किन को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाते हैं, लाइक क्लॉक कर देते हैं आपके पोर्स को, जिससे आपको ब्रेकआउट होते हैं. ईद का सुन लिया, इस पिंपल ने वो भी फूट के बाहर निकल आया है. बिकॉज मैं आजकल एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लोकल मेकअप यूज़ करके आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ. तो उसी लोकल मेकअप की वजह से जो है ना ये तोहफा मुझे मिला है. तो यू नो, बट इफ़ यू हैव एक्नी प्रोन स्किन तो मिनरल मेकअप जो है वो आपको हेल्प करेगा, लाइक आपकी एक्नी को हेल्प करेगा. तो इट इज़ रियली गुड फॉर एक्नी प्रोन स्किन. तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ईदुन मिनरल का मेकअप. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं ऑर्डिनरी का बफे सीरम यूज़ करूँगी. ये बहुत ही लाइट वेट सीरम है, लाइक बिल्कुल ऐसा है जैसा एलोवेरा जेल होता है, बट इट इज़ वे बेटर देन एलोवेरा जेल. आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, अगर आपको ब्लेमिशेस हैं, एक्नी स्कार्स हैं, उसको रिमूव करता है, आपकी स्किन को ग्लोई बनाता है. लाइक लिटरली दिस इज़ माई फेवरेट प्रोडक्ट. ऑर्डिनरी का सैलिसिलिक एसिड 2% सोल्यूशन जो है वो एक्नी प्रॉन स्किन के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है. और ये कनेडियन स्किन केयर ब्रांड है जो कि बेस्ट सेलर्स हैं. देन आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइज अ वेबसाइट कॉल trendify.pk, जहाँ पे आपको ईदुन मिनरल के सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे. एंड आई विल बी यूजिंग राइट नाउ ये आई शेडो पैलेट. बट टेक अ मोमेंट एंड लेट्स अप्रिशिएट द पैकेजिंग इज अमेजिंग. सो मैंने लास्ट 2 शेड जो है उसे यूज करूँगी आईब्रोज बनाने के लिए, क्योंकि ये मल्टीपर्पज आई शेडो पैलेट है. लाइक आप अपनी आईब्रोज भी बना सकते हो, आई शेडो के लिए भी यूज कर सकते हो. तो आईब्रो बनाने का सिंपल 3 स्टेप, लाइक लाइन नीचे आईब्रो, देन ऊपर वाली आईब्रो पे लाइन आप लगाओगे, देन उसे लिटिल स्ट्रोक्स में ब्लेंड करोगे एंड आईब्रो इज डन. देन ये शेड मैं अपने क्रीज में अप्लाई करूँगी एज अ ट्रांजिशन शेड और उसे मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी. दीज कलर्स आर सुपर क्रीमी एंड बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो रहे हैं. लाइक फॉल आउट बिल्कुल भी नहीं है इसमें, थोड़ा बहुत होता है बट नॉट दैट क्रेजी फॉल आउट. अगर आपकी आईलिड्स सुपर ऑयली है देन यू नीड दिस पैलेट, बिकॉज जब ये आई शेडोज आप लगाते हो दीज आर सुपर लॉन्ग लास्टिंग. इफ आई सेड लॉन्ग लास्टिंग देन इट इज लॉन्ग लास्टिंग, यानी तकरीबन 12 घंटे तक ये आपके आईलिड पे वैसे के वैसे रहते हैं जैसे आप लगाओगे. देन आई विल बी टेकिंग दिस डार्क शेड, इसको मैं अपने आउटर कॉर्नर यानी आउटर वी पे अप्लाई करूंगी और जेंटली इसे ब्लेंड करूंगी. ये पैलेट अगर आपकी शादी होने वाली है एंड इफ यू आर ऑफिस गोइंग गर्ल, तो ये आपके लिए मस्ट हैव
प्रोडक्ट है। बाकी इसमें बहुत ही प्यारे न्यूट्रल कूल टोन कलर्स हैं जो कि आपकी स्किन टोन के साथ बहुत ही अच्छे से मैच होते हैं। फिर मैं ये शेड लेकर अपनी पूरी आईलेट पे अप्लाई करूँगी। बहुत ही प्यारा स्किन सा कलर है, यानी बहुत ही शीन कलर है, लेकिन थोड़ा सा रोज़ गोल्ड इफ़ेक्ट देता है। इस आई शेडो पैलेट में बहुत ही फ्लैटरिंग कोई कलर्स नहीं है, बट दे आर लॉन्ग लास्टिंग, सो आई एंड अप यूजिंग दिस पैलेट बिकॉज इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग। फिर ब्राउन शेड जो है मैं नीचे लोअर लैश पे अप्लाई करूँगी और अपने आईज़ को थोड़ा स्मोक आउट करूँगी। आप ये मेकअप लुक जो है वो कहीं पे भी अचीव करके जा सकते हो, ऑफिस जा सकते हो, पार्टीज़ में जा सकते हो कैरी करके। और ये आई शेडो जो है वो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, लाइक यू कैन सी दे आर सुपर पिगमेंटेड। इनका जो टेक्स्चर है वो बहुत ही क्रीमी और बहुत ही लाइट है। आप इसे जब टच करोगे यू कैन फील इट। आई विश कि मैं आप लोगों को दिखा सकती कि करो टच एंड फील द टेक्स्चर बिकॉज इट इज़ रियली गुड। देन मस्कारा के लिए मैं यूज़ करूँगी माई फेवरेट ईदन मिनरल का एन अल्टीमेट वॉल्यूम बिल्डेबल केयर मस्कारा इन ब्लैक। पैकेजिंग इज़ रियली फ्लैटरिंग, आप इसका वॉन्ड देख सकते हो। इससे मैं अपनी आईलैशेस को कर्ल करूँगी। इसकी बेस्ट बात यह है कि जब आपके आईलैशेस कर्ल हो जाती हैं तो वो कर्ल ही रहती हैं और काफ़ी टाइम तक कर्ल रहती हैं। लाइक वो कुछ मस्काराज होते हैं जो कि आईलैशेस कर्ल तो कर देते हैं बट थोड़ी देर बाद जो है वो बिल्कुल भी फ्लैटरिंग नहीं लगता। ये आपके आईलैशेस को क्लीनली कर्ल करता है और सबसे बड़ी बात कि ये वाटरप्रूफ है, लाइक इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग। आपको क्लिनजिंग ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी इसे रिमूव करने के लिए, जो कि आई लव। मैंने मेबेलिन का मस्कारा यूज़ किया है, लैश सेंसेशनल वाला, बट जब उसको लैशेस पे हम अप्लाई करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होती हैं, बट दिस मस्कारा इज़ सो लाइट वेट। आई एम काइंड ऑफ लविंग 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 दिस मस्कारा, टोटली रिकमेंडेड, आई लव इट। ईदन मिनरल के मस्काराज में अल्ट्रा प्योरीफाइड मिनरल फार्मूलाज यूज़ होते हैं जो कि आपकी लैशेस को जो है वो हेल्प करते हैं ग्रोथ में और उसे टूटने से बचाते हैं। देन मैं स्किन के लिए यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का पोरफेड ऑयल फ्री प्राइमर। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्राइमर, क्योंकि अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, इट इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप, बट फिर भी अगर आपकी स्किन ऑयली है देन दिस प्राइमर इज़ रियली गुड फॉर यू, क्योंकि ये थ्रू आउट द डे आपकी स्किन पर जो ऑयल आता है, एक्स्ट्रा ऑयल, उसको कंट्रोल रखता है, एक स्मूथ कैनवस प्रोवाइड करता है बेस को, जिससे आपकी बेस बहुत ही स्मूदली अप्लाई हो जाती है, लाइक इवनली अप्लाई हो जाती है। देन मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ करूँगी ईदन मिनरल का नॉर स्किन इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन। दिस वन इज़ प्योर मिनरल। तो यहाँ आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हो, बहुत ही क्यूट वाइट पैकेजिंग है इसकी और यहाँ पे सारे इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं जिसमें सैलिसिलिक एसिड मौजूद है जो कि एक्नी प्रॉन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, जिससे एक्नी कंट्रोल होती है। अंदर से पैकेजिंग इसकी कुछ इस तरह से है जो कि मुझे डियोर फाउंडेशन की याद दिलाती है। इसका लोगो जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कैप के ऊपर लगा हुआ है और ग्लास बॉटल पैकेजिंग है इसकी। इसका पंप बहुत ही प्यारा है और इजीली अप्लाई हो जाती है फाउंडेशन। इसमें आपको 30 ml प्रोडक्ट मिलेगा। इसकी प्राइस डिटेल एवरीथिंग मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने इसे अप्लाई किया, ये वाटर बेस्ड फाउंडेशन है, आप इसे देख सकते हो कि मैंने जैसे ही इसे अप्लाई किया तो ये नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि ये वाटर बेस्ड है, सुपर हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है। लाइक ऑयली एंड एक्नी प्रोन स्किन के लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त फाउंडेशन है। और मेरा शेड है फ्रीजा। इसमें आपको 9 शेड्स मिलेंगे। आई डोंट नो कि इनकी वेबसाइट 9 शेड्स अवेलेबल है या नहीं, मैं इनकी वेबसाइट फिर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ये आपको हेल्दी और ग्लोई इफेक्ट देता है, यानी नेचुरल लुकिंग स्किन बनाता है आपके फेस को, केकी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आती आपके फेस पे। ये आपको बहुत ही लाइट कवरेज देता है। कि सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हैं टैल्क फ्री, सिलिकॉन फ्री, फ्रेग्रेंस फ्री और पैराबिन फ्री, जो कि स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। देन आई विल बी यूजिंग इनका पाउडर फाउंडेशन, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है एंड अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट है, एंड ऑयली स्किन के लिए तो द बेस्ट 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 प्रोडक्ट है। एंड ये शेड भी है फ्रीजा। आप इसे विदाउट लिक्विड फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो, लाइक बेयर फेस, लाइक आपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया हो तो आप ब्रश की मदद से इसे यूँ अप्लाई कर दोगे अपने फेस पे। ऑयली स्किन की बात मैं कर रही हूँ, एंड दैट्स इट, आपकी फाउंडेशन जो है वो बन गई। थ्रू आउट द डे आपको पसीना वसीना नहीं आएगा एंड
या यू विल लुक फ्लॉलेस। तो यहाँ पे मैं फाउंडेशन के ऊपर इसे अप्लाई कर रही हूँ। फाउंडेशन के ऊपर आप इसे अप्लाई करोगे तो ये आपको डबल कवरेज देगा। आप देख सकते हो कैसे मैंने फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई किया एंड फुल कवरेज दे रहा है मुझे ये यहाँ पे। आप भी इसे अगर किसी भी फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, बट ऑयली स्किन जो है वो इसे लिक्विड फाउंडेशन के बगैर भी इसे यूज़ कर सकती है। जैसे कि हम पैनकेक्स यूज़ करते हैं उसी तरह हम इस पाउडर फाउंडेशन को भी विदाउट लिक्विड फाउंडेशन अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें है SPF 15 जो कि सन रेस से आपके स्किन को बचाता है। तो आप देख सकते हो मेरी स्किन को, मेरी जो फाउंडेशन है बहुत ही फ्लॉलेस बनी है। तो आपको इसमें 8 शेड्स मिलेंगे। तो ब्रॉन्जर के लिए मैं यूज़ करूँगी ईदुन मिनरल का ब्रॉन्जर इन शेड 621। आई लव ब्रॉन्जर। इफ़ यू डोंट लाइक आप यूज़ मत करो, कोई कंटोरिंग शेड यूज़ कर लो इंस्टेड ऑफ ब्रॉन्जर, बट आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस क्योंकि कूल यानी पेल स्किन टोन जैसे कि मैं हूँ उनके लिए ये ब्रॉन्जर इज़ वन ऑफ द बेस्ट। आपको सन किस्ड लुक देता है एंड यू नीड जस्ट थोड़ा सा अमाउंट अपने स्किन पे अप्लाई करने के लिए एंड यू विल सी द इफेक्ट। आप देख सकते हो अगर आपको टैनिंग का बहुत इशू होता है और आपकी स्किन फेयर है तो ब्रॉन्जर मस्ट अप्लाई करके बाहर जाया करो। लाइक इट विल प्रोटेक्ट योर स्किन, दैट्स इट, एंड इट विल गिव यू अ सन किस्ड ग्लो ऑन योर फेस लाइक यू कैन सी। आई जस्ट लव दिस ब्रॉन्जर। अब मैं बता नहीं सकती इसकी और खूबियाँ। तो ब्लश के लिए मैं यूज़ करूँगी ईदुन मिनरल का ब्लश इन 006। आप देख सकते हो ये बहुत ही प्यारा सा लाइट पिंक कलर है जो कि समर के लिए हर एक ड्रेस के साथ आपके चीक्स पर बहुत ही प्यारा लगेगा। ये बहुत ही एक शीयर सा लुक देता है यानी बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, बिल्डेबल है। लाइक आपको बार बार लगाना पड़ेगा इसको एंड आई लव दैट काइंड ऑफ ब्लशेज। वो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड ब्लशेस एकदम से चीक्स पे लग जाएं तो उसको ब्लेंड करना बहुत मुश्किल होता है, बट दिस ब्लश इज़ लिटरली अमेजिंग। मेरा फर्स्ट रिएक्शन मैं ब्लूपर्स में आप लोगों को दिखाऊंगी जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे यूज़ किया था एंड माय रिएक्शन वाज फनी, बट आई लव दिस ब्लश। इफ़ यू गाइज लाइक टू बाई समथिंग ऑन माई रिकमेंडेशन देन गो फॉर द ब्लश। देन लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ करूँगी ईडन मिनरल की मैट लिपस्टिक लाइक उनके मैट रेंज में से, एंड इसका शेड है 103। ये बहुत ही प्यारा माव पिंकी माव सा कलर है और ये मैट इसलिए नहीं लग रही क्योंकि मैंने नीचे थोड़ा सा लिप बाम लगाया हुआ था, दैट्स वाई ये थोड़ी सी शाइनी लग रही है, बट इट gives you matte effect, but it is not that much long lasting, but it is moisturizing as well. फिर लिप ग्लॉस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ईदुन मिनरल की लिप ग्लॉस इन शेड एना एंड अगेन आई विल से दैट आई लव दिस। यू विल गेट ए 6 ml प्रोडक्ट इन दिस ट्यूब एंड इट स्मेल्स लाइक रोज पेटल्स। अच्छा, जो चीज़ मैं आपको सजेस्ट करती हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप वही चीज़ें खरीदो, बट अपने अकल से काम लीजिए, अपने स्किन के हिसाब से, अपने स्किन के लिए बेहतर से बेहतरीन चीज़ खरीदिए क्योंकि अक्सर चीज़ें आपके स्किन के लिए नुकसानदेह होती हैं एंड दीज प्रोडक्ट्स आर सो गुड फॉर योर स्किन। इन प्रोडक्ट्स की वजह से आपके स्किन पर जो है पिंपल्स नहीं निकलते, कोई ब्रेकआउट्स नहीं होते, इवन आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है ये मिनरल मेकअप रेंज जो है सारी की सारी ईदुन मिनरल की। तो गो हैड चेक इट आउट, बाकी सारे रिव्यूज़ भी देखो इस प्रोडक्ट्स के बारे में एंड मैं इनकी वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, इवन अपना कोड भी मेंशन कर दूंगी। इफ़ यू गाइज लाइक टू बाय एनीथिंग देन यूज़ माय कोड एंड यू विल गेट 10% ऑफ। सो या गर्ल्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, मैं पसंद आई हूँ, सो यू नो वट यू हैव टू डू, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।